आज सोमवार की सुबह शुरुआत करते हैं स्मार्ट किचन में एक डिलीशियस रेसिपी के साथ। सीखेंगे हम ब्रोकली विद पनीर। वेलकम वंस अगेन टू स्मार्ट किचन। आज हम आपसे सीखने आए हैं एक बहुत ही हेल्दी डिश जो कि होगी ब्रोकली और पनीर से बनी हुई। बहुत अच्छे वेजिटेबल्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट के। क्या बनाएंगे आज आप इनसे? आज ब्रोकली वेजिटेबल की एक सब्जी बनाएंगे। ओके काफ़ी हेल्दी भी है और काफ़ी स्वादिष्ट भी। बिल्कुल, ब्रोकली है, पनीर है, तो इसका हेल्दी होना ऑब्वियस है, लेकिन हम स्वाद के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। जी, इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रोकली ली, पनीर, जीरा, नमक, टमाटो प्यूरी, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, गरम मसाला, जिंजर पाउडर और ऑयल। ओके, तो कुल मिलाकर ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं इस सब्जी को बनाने के लिए, इस डिश को बनाने के लिए। वैसे कहा जाता है कि ब्रोकली से बनी हुई सब्जी इतनी स्वाद नहीं होती, लेकिन अगर इसमें पनीर ऐड हो रहा है तो हम स्वाद की गारंटी ले सकते हैं। लेकिन शेफ़ के हाथों का जो स्वाद है वो हमारे हाथों में भी आ जाए, तो इसलिए बनाना शुरू करते हैं इस डिश को। इसके लिए सबसे पहले हम गैस जलाएंगे। गैस जलाया और ये हमने फ्राई पैन रखा इसमें। ओके, अब सबसे पहले हम इसमें फ्राई पैन गर्म हो जाएगा, डालेंगे हम ऑयल। ऑयल अच्छा, जो आपने ब्रोकली ले रखी है वो हमने पहले से ही बॉईल कर ली है, राइट? और अगर हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो सब्जी बनने के बाद जो इसके अंदर के जो न्यूट्रिशंस हैं वो चले तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ओके, कभी भी कोई भी सब्जी आप बना रहे हो उसको पूरा मत गलाइए। ओके, उसको थोड़ा सा 80% गलाइए तो जो उसके उसकी विटामिन होती है थोड़ा सा क्रंची रहने देना जी। इसे तो एक तो खाने में भी उसमें स्वाद रहेगा, प्लस वो हेल्दी भी रहती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है जो मनोज जी ने हमें दिया। तेल गर्म हो गया, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। ओके, तकरीबन हाफ टेबल स्पून जीरा दिया है हमने। जीरे को हमने पूरी तरीके से भुनने देना है जी। उसके बाद डालें कटा हुआ टमाटर। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लाइसली चॉप टमाटो है ये। ये हमने तकरीबन कितना लेना है? ये 2-3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पिसी हुई। ये सब्जी जो है वो तीखी है या बिल्कुल मीडियम इसमें स्पाइसेस हैं? मीडियम। ओके, जैसे मसाले जितना कम से कम खाएं वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा मसाले सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। थोड़ा टमाटर भुन गया और हम डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी। टमाटर और टमाटो प्यूरी दोनों डालने से हमारे टेस्ट में फर्क रहता है। अगर एक चीज़ डालोगे टेस्ट अलग रहेगा, दोनों चीज़ डालोगे उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। यू कैन सी द कलर, आई कैन फील द अरोमा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, जिंजर पाउडर, जिंजर यानी कि अदरक का पाउडर जी। अगर इन केस ना हो तो हम जो अदरक है उसे कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। हमारा मसाला भून के तैयार है, अब इसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ पनीर। और ब्रोकली जो हमने पहले से ही बॉईल की हुई है जी। पनीर आप टोंड दूध का भी यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लो कैलोरी पनीर, जो आजकल मार्केट में मिल जाता है टोंड दूध का। एक उसका भी आता है सोयाबीन का, टोफू जिसे हम कहते हैं। यस, अगर आप इसको थोड़ा ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो जब मसाला भून रहे थोड़ा हल्का सा पानी डाल सकते हैं, इसको हम थोड़ी ग्रेवी वाली। जैसे आप क्या प्रेफर करते हैं, ग्रेवी और विदाउट ग्रेवी, अगर हम इस डिश को एंजॉय करना चाहते हैं? जैसे ये है, जैसे आपको कई लोगों को ग्रेवी वाली पसंद होती है, किसी को ड्राई, वैसे ज़्यादातर इसको ड्राई बनाना चाहिए, तो ड्राई का स्वाद इसका ज़्यादा अच्छा है। और वैसे देखा जाए पनीर की जो ऑलमोस्ट डिशेस हैं वो ड्राई ही सब लोग पसंद करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे शाही पनीर, जैसे हमने यहाँ पे कढ़ाई पनीर, आप अपने घर पे बना रहे हैं प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, लहसुन भी कर सकते हैं, लहसुन का पेस्ट, प्याज, उससे जो फ्लेवर है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। सब्जी बन के तैयार, क्वाइट इजी टू मेक। अब इसको हम सर्व करने के लिए लेते हैं और हम इसको इस तरह डालेंगे। इसको आप नॉर्मल चपाती के साथ, नान के साथ, लच्छा पराठा के साथ या किसी भी और तरीके की ब्रेड्स के साथ सर्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो इसे चपाती के साथ सर्व करूंगी क्योंकि मुझे घर का खाना बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप भी इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरीके से इस डिश को बनाइए। और जो एड ऑन्स है, जैसे कि आप इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं, आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, अपने फ्लेवर को आप और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं इस डिश के थ्रू। गार्निश करने के लिए बारी बारी कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, ओके, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ, और खूबसूरत करना है तो थोड़ा सा चॉप करा हुआ टमाटर डाल दीजिए। वाओ, तो फाइनली ये जो डिश है ब्रोकली विद पनीर वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आई एम रेडी टू टेस्ट दिस बिकॉज मेरे मुंह में सच्ची में ही बहुत ज्यादा वाला पानी आ रहा है। ये प्लेट ले लीजिए, आप इसको जरा टेस्ट कीजिए। बिल्कुल, मैं इसको टेस्ट करती हूँ। वैसे मैंने कहा था कि आई कैन फील द अरोमा, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इस डिश में से। सिंपली अमेजिंग, आई ट्रूली लव दिस डिश। बहुत स्वाद है टमाटो का फ्लेवर विद ब्रोकली एंड पनीर, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू शेफ कि आपने हमें इतनी अच्छी और हेल्दी रेसिपी सिखाई। अगर आप भी इस रेसिपी को एंजॉय करना चाहती हैं तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसकी रेसिपी। ब्रोकली विद पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए उबली हुई ब्रोकली, पनीर, जीरा, नमक, टमाटो प्यूरी, कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक पाउडर और तेल। पैन में तेल, जीरा, टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, टमाटो प्यूरी, धनिया पाउडर और अदरक पाउडर डालकर अच्छी तरह भून लें या मिला लें। अब पनीर और ब्रोकली डालकर मिक्स करें। अदरक, हरा धनिया और टमाटर से गार्निश करके सर्व करें। ब्रोकली विद पनीर बनकर तैयार है।